कर दोस्तों, करेंसी के एक स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। दिस स्पेशल रिपोर्ट इज विद रेस्पेक्ट टू न्यूजीलैंड डॉलर। न्यूजीलैंड डॉलर पे एक स्पेशल सेटअप हमें देखने को मिला है। उसको एनालाइज करने से पहले हम एक रेंज को डिफाइन करते हैं। ऑन द हायर साइड ये वीकली परस्पेक्टिव में है, ये आपका ऑन द हायर साइड ये वाला 0.6530 ऑन द हायर साइड, एंड ऑन द लोअर साइड ये एक मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है। उसके अंदर में वन मोर सपोर्ट लेवल्स जो है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे है एंड दिस लेवल। सो दीज आर द टू ब्रॉड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। Weekly RSI at 51.448, so यानि आपका sideways RSI रहने का expectation। Sideways का मतलब both side move करने का possibilities है। अभी अगर हम Bollinger Band को देखेंगे, Bollinger Band from the upper band of the Bollinger Band से आपका center band में आके अभी bullish candle बनाने का प्रयास कर रहा है। That means it is trying to take support on the center band। ये हो गया आपका weekly का। अगर हम उसी का daily chart को देखेंगे, daily chart को देखेंगे तो when आपका weekly chart में New Zealand dollar from upper part of the Bollinger Band से center band आया, उसी time पे आप देखो daily पे अपर बैंड ऑफ द बोलिंजर बैंड से लोअर पार्ट ऑफ द बोलिंजर बैंड में आके कंसोलिडेट कर रहा है। यानी व्हेन हायर टाइम फ्रेम इज टेकिंग सपोर्ट ऑन द सेंटर बैंड, लोअर टाइम फ्रेम डेली इज टेकिंग सपोर्ट ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द बोलिंजर बैंड। सो यहाँ पे एक टिपिकल ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड सेटअप हो रहा है। हायर टाइम फ्रेम टेकिंग सपोर्ट ऑन द सेंटर बैंड आफ्टर moving down from the upper part of the Bollinger Band to the center band, whereas on the lower time frame price action is taking support on the lower part of the Bollinger Band. Abhi, what next? What next? There are higher possibilities ki aapka New Zealand dollar may move towards 0.6350 se 6370 ke beech mein. Isko thoda sa color kar dete hain for easy understanding. Yes, this is our probable target. Probable target. ये probability को materialize करने के लिए certain conditions है। क्या certain conditions? ये जो trend line resistance है, daily पे price has to close above this trend line resistance. एक बार अगर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोज दे देते हैं, सो ये जो सेटअप है विल स्टार्ट ट्रिगर, गेट द ट्रिगर। तो गेट द ट्रिगर का मतलब क्या है? उसके बाद देयर विल बी हायर पॉसिबिलिटीज के न्यूजीलैंड डॉलर में मूव टुवर्ड्स 0.6350 से 70 के बीच में। जब ये प्राइस आपका इस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर जाके क्लोज देगा समथिंग लाइक दिस, इस टाइप की तरह। सो इस कैंडल के हाई के ऊपर, डेली चार्ट में जो कैंडल बनेगा उसके हाई के ऊपर बाइंग बनेगा, लो के नीचे स्टॉप लॉस, यानी यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा, ये आपका स्टॉप लॉस एंड आपका जो टारगेट होगा ये, यानी इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 1:2 टाइप ऑफ ट्रेड। दिस इज ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड सेटअप जो न्यूजीलैंड डॉलर में अंडर फॉर्मेशन से अभी तक फॉर्म हुआ नहीं है। इसको फॉर्म होने के लिए टाइम चाहिए। एक बार फॉर्म हो गया, ट्रिगर चालू हो गया, देन ये एक 1:2 टाइप ऑफ ट्रेड बन सकते हैं। आई मेंशन अभी तक बाइंग सेटअप बना नहीं है एज पर दिस सिस्टम, ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड सिस्टम के हिसाब से ये ट्रेड बना नहीं है। इसको बनने के लिए डेली कैंडल हैज टू क्लोज अबव दिस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस। एक बार ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दे देते हैं, तो उस बुलिश कैंडल के हाई के ऊपर ट्रेड विल गेट ट्रिगर्ड एंड
then risk is to reward, we can consider in such a case 1:2 trade may be seen. So यही एक special video है related to the dual period Bollinger Band. ये हमें देखने को मिल रहे हैं New Zealand dollar पे, जहाँ पे weekly higher time frame, daily lower time frame है, and एक बार इस trend line के high के ऊपर एक bullish candle बनाते हैं, in such a case New Zealand dollar may move towards 0.6350 से 6370 के बीच में. Currently New Zealand dollar is trading at 0.6135. आशा करता हूँ ये स्ट्रेटेजी आप ऑब्जर्व करेंगे आने वाले दिनों में, कैसे ये मटेरियलाइज होते हैं या नहीं होते, उसे पहले ट्रिगर होने देते हैं, देन वी विल कम आउट विद द नेक्स्ट वीडियो ऑन न्यूजीलैंड डॉलर के ये टारगेट को अचीव कर रहे हैं या स्टॉप लॉस को ट्रिगर कर रहे हैं. थैंक यू एंड